हेलो दोस्तों, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आध्यात्मिक जागृति की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आध्यात्मिकली एक तरह से जागृति हो रही है, या हम कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, या परमात्मा की तरफ हमारी जो है एक यात्रा शुरू हो गई है। तो बहुत सारे लोग जो हैं रिलीजन को आध्यात्मिकता से जोड़ के देखते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं, वो एक हिंदू रिलीजियस चीज़ है जो कॉमन टू हिंदूज ही है। बट आध्यात्मिक होना कॉमन है, चाहे जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसके लक्षण कॉमन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के जो सिम्टम्स होंगे वो कॉमन टू ऑल, वो रिलीजन से परे होते हैं। तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या हम आध्यात्मिक हो रहे हैं, क्या हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये गुण देखते अगर आप अपने अंदर ये गुण देखना शुरू करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि आप परमात्मा की तरफ जा रहे हो। तो पहला एक गुण है कि आप अचानक लोगों से अलग हट के सोचना शुरू कर देते हो। आप लाइफ में इंक्वायरी करना शुरू कर देते हो कि ये जीवन क्या है। तो बार बार एक ये विचार कौंधने लगता है, क्या यही जीवन है, जीवन का क्या मकसद है। तो इस प्रश्न को लेके व्यक्ति बार बार जानने की कोशिश करता है, जीवन और मृत्यु क्या है। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई और आप वहाँ गए हो, तो उसके बाद जो है ज़्यादातर लोग आते हैं एक बार को उनको दुख लगता है कि अरे यही जीवन है, और उसके बाद बाहर आते ही शमशान घाट से लोग भूल जाते हैं। बट आध्यात्मिक उस पर रहने वाला व्यक्ति बार बार इस विचार को रिवोक करता है, बार बार इसमें ड्वेल करता है, इसको सोचता है कि जीवन क्या है। तो पहला तो ये कि ये प्रश्न उसके अंदर उठना शुरू हो जाता है, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो ये एक सिम्टम है। दूसरा, जब ये इस तरह से इंक्वायरी उसके अंदर जागृत होने लगती है तो उसको आसपास जो किताबें दिखती हैं वो कॉन्शियसनेस जागृति के बारे में होती है, अवेयरनेस के बारे में होती हैं, मेडिटेशन के बारे में होती हैं, ज्ञान के बारे में होते हैं। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको या तो क्योंकि आजकल ज़माना किसी बुक स्टॉल पर जाने का नहीं है, आपको वीडियोज़ ऐसे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, अचानक वीडियोज़ आने लगेंगे जो कॉन्शियसनेस के ऊपर हैं, अवेयरनेस के बारे में हैं, मेडिटेशन के बारे में हैं। ये दूसरा एक सिम्टम होता है जहाँ आपकी एक जागृति आपको होने लगी है, आपके जो है आगे प्रोसेस चल रहा है कि आप इस ध्येय को, लक्ष्य को प्राप्त करें। तीसरा होता है कि आपकी रुचि बदलने लगती है, आपके दोस्त बदलने लगते हैं, आपकी जो लाइफ में जो रुचियां थी पहले जो थी, अब आपको कहीं पर अकेलापन अच्छा लगता है, या आपको ऐसे दोस्त लगते हैं अच्छे नए लगने लगते हैं जो आध्यात्मिकता की बातें करें, कॉन्शियसनेस की बातें करें, या जो मेडिटेशन की बातें करें। तो दोस्तों में भी एक बदलाव, आसपास के एटमॉस्फेयर में भी बदलाव होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आप बदल रहे हो, आपका पहले जैसा आचार व्यवहार नहीं रहा, आपको सिर्फ खाना पीने से मतलब नहीं है, आप ज़िंदगी के बारे में और गहरा सा जानना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें आपको एक तरह से डिस्टर्ब भी करती हैं, आपको चैन की नींद सोने नहीं देती हैं, आपके मन में एक ज्ञान की पिपासा जागने लगती है कि मैं और जानूं जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, और आप उस तरफ भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मेडिटेशन में जाने लगते हैं, और ढूंढने लगते हैं अपने लिए कोई और रास्ता जो आम जीवन से अलग है। जैसे आम लोग शादी, बच्चे, ये सब उनका पर्पस होता है, और इसके अलावा खाना पीना सोना, इसी में ज़्यादातर लोग ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर देते हैं। बट जब आपकी आध्यात्मिक अवेकनिंग होती है तो आप इन रिश्तों से परे, खाने पीने के परे के बारे में भी सोचते हो कि परमात्मा कैसा होगा, किसने हमें बनाया, क्यों बनाया, मेरी जीवन का क्या पर्पस है। तो ये प्रश्न जो है जब आप अपने आप से पूछते हैं तो आपकी आध्यात्मिक जागृति शुरू हो जाती है। आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हो डिफरेंट मेडिटेशन से, आप ऐसे ऐसे लोगों को सुनना शुरू कर देते हो जो बता रहे हैं जीवन के बारे में कि कैसे मेंटल पीस आए, कैसे जीवन में बदलाव आए, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हु एम आई, ये प्रश्न इंसान अपने आप से पूछने लगता है। तो उस समय समझ लेना चाहिए आध्यात्मिक जागृति होने लगी है। आपकी लाइफ में सारे बदलाव, आपको एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं, 111, 222, आपको क्लॉक में दिखेगा 16, 16,
या 0909 इस तरह के आपको अपने फ़ोन पे नंबर्स दिखने लगते हैं, तो आपके आसपास एंजलिक रेल्म जो लोग फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन में हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी अवेकनिंग में। आप अचानक नोट करोगे आपको ऐसी कोई किताबें गिफ्ट में दे जाएगा जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हैं, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली हैं, तो आपको ऐसे गिफ्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको एक अलग सी अवेयरनेस आने लगती है मन में, एक पिपासा, एक जिज्ञासा, और आप उस रास्ते पे चलने लगते हो। आपको लगता है कि मेरे को ढूंढना है, मेरे को जानना है, मेरे को स्वयं को जानना है, मेरे को और आगे बढ़ना है और जीवन के बारे में जानना है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो फॉर श्योर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आप हमसे जुड़िए, मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 9811142249। थैंक यू।